अब बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं, कहाँ से लड़ रहे हैं? मैं इंग्लिश में बीडीसी बोलते हैं और अच्छा और हिंदी में जनपद सदस्य बोलते हैं। जनपद पंचायत फरसावार के लिए जनपद पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 3 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। पूर्व में मैं जनपद चेयरमैन था तो क्षेत्र की जनता का काफ़ी, मैं शिक्षाकर्मी हुआ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हुआ, और जन समस्या का काम का निवारण हमेशा करता रहा। इस उद्देश्य से मेरे गृह ग्राम के सटे हुए कदई बाहर तूबा पामसला पगरा भाव से मैं जनपद पंचायत सदस्य के रूप में मैं खड़ा हूँ, जो कि मेरा चुनाव चिन्ह तराजू साहब मिला है और शासन की मंशा का अनुरूप मैं जनता का सेवा करना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी की भरपार व्यवस्था है, कृषि आधारित क्षेत्र है, इसको देखते हुए गरीबों को जन कल्याण हेतु जो शासन का योजनाओं प्रधानमंत्री आवास, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जो नल जल योजना या किसी आधारित सभी समस्याओं का जो जनपद क्षेत्र में कार्य में आती है उसका निवारण करने का हर भरपूर प्रयास करूंगा। और क्योंकि मुझे जनता का सेवा करने में थोड़ा रुचि लगता है और इनका इतने सारे कैंडिडेट खड़े हैं, आप कैसे जीतेंगे? जनता इतने कैंडिडेट जितने खड़े हैं, 10 कैंडिडेट सभी ठीक हैं, लेकिन उनके रूप में जनता का सेवा किया हूँ, इसके अनुकूल मुझे जनता जरूर मुझे आशीर्वाद देगा और जीतूंगा तो बहुत ही कम अंतर से भी जीतूंगा, लेकिन चुनाव जीतने का करूंगा, जनता का मुझे भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। कहते हैं चुनाव में बहुत पैसे खर्च होते हैं। चुनाव में बहुत पैसा कहते हैं, ये गलत बात है। जनता पैसा से भी देता है, वोट देता है, जनता विकास के नाम से वोटता है, जो कार्य करता है उसी व्यक्ति को वोट देता है ना। पैसा कहना गलत है, जो पैसा लेता है, दारू बांटता है, वो सिर्फ वो मतवार और चंद लोग जो है रहते हो पी के फ्लैट हो जाते हैं, मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे मतदाताओं अपना अधिकार को जो बेचता है वो प्रजातंत्र के लायक मतदाता नहीं रहते हैं, और जो उम्मीदवार पैसा बांट के चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं वो कभी चुनाव नहीं जीत पाते हैं। जीतते भी हैं तो भला नहीं कर पाते, जीतने का प्रयास कभी नहीं करते हैं, और जीतते हैं तो छोटे मोटे बाहुबली जो ताकतवर लोग रहते हैं जो सत्य उन्हीं लोग करते हैं, लेकिन सक्सेस कभी नहीं हो पाए हैं आज तक।